मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ नहीं जा सकते, वहां पर उन्हें उन विशेषज्ञों की सेवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कायाकल्प अभियान के तहत अवार्ड वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के कई अस्पतालों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि होली का त्यौहार सभी मनाएं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी करें। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमने हमारे 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ टेली मेडिसिन की सुविधा आज प्रारंभ की जा रही है। हब एंड स्पोक मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक हब से, एक ऐसे स्थान से बड़े जुड़ेंगे जहां विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। अब यहां से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर की सुविधा तकनीकी का इस्तेमाल करके उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में है, बाद में 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जोड़े जाएंगे। और जिन अस्पतालों ने बेहतर प्रदर्शन किया है कायाकल्प अभियान के अंतर्गत, उनको पुरस्कृत करने का काम किया गया है। निरंतर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ देने का की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मेरी एक ही अपील है कि त्यौहार की परंपरा हम पूरी करें, अपने घर घर के सामने कोई निर्धारित स्थान पर जहां संक्रमण ज़्यादा है वहां अनुमति लेकर परंपरा का निर्वाह किया जा सकता है। ये कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बचने के लिए ज़रूरी है। इस समय जिस ढंग से संक्रमण बढ़ रहा है, अगर हम नहीं संभले तो मध्य प्रदेश बड़े संकट में फंसेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, हमारी जवाबदारी, हम हर संभव कदम उठाएंगे।